रहमान रहीम, लेक्चर नंबर 21 और 22 की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें अगर आपको समझ आ रही है तो, और ताकि सारी न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बेसिकली जो 21 लेक्चर और 22 लेक्चर है, इसमें मेले और मौर्य मशीन की जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं को बताया हुआ है, तो मैंने उनकी एग्जाम्पल्स को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन भी है और उनका सोल्यूशन भी है, अगर आप नोट्स पे देखेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। लेकिन मैंने उनसे थोड़ा सा हट के, पैटर्न वही है, चीज़ें वही हैं, सेल्फ एग्जाम्पल दिए ताकि आप इस तरह से खुद से उसको सॉल्व करें, खुद से ज्यूम करके। अगर मैं आपसे कहूँ, डिज़ाइन मौर्य मशीन टू जनरेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाइनरी नंबर, ठीक है, आपको एक बाइनरी नंबर दिया गया होगा और उसमें कहें कि उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें, तो आपने कैसे फाइंड करना है, इस तरह के आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपके पास इनपुट जीरो है तो आपने उसको आउटपुट वन बना देना है, और अगर आपके पास इनपुट वन है तो आपने उसको जीरो बना देना है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट भी होता है और सेकंड कॉम्प्लीमेंट भी होता है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ आपने उसका रिवर्स लिख देना है, जीरो हो तो उसको वन बना दो, वन हो तो उसको जीरो बना दो, ठीक है। टू का कॉम्प्लीमेंट अभी हमने डिस्कस नहीं करना, उसकी मैं आपको अलग से एग्जाम्पल दूंगी। अब जब भी हम किसी भी बाइनरी नंबर का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है, वो मैंने इस तरह थ्योरेटिकली इसलिए लिख दिया है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बाज़ूकात फिंगर टिप्स पे चीज़ें नहीं भी याद होती, उनके ऑरल समझना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने उसको लिख दिया। फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि स्टार्ट स्टेट, हमने एक स्टार्ट स्टेट ड्रॉ करनी है, तो अगर मैं साथ साथ एग्जाम्पल भी आपको समझाई जाऊँ तो वो ज़्यादा सही रहेगा। सेकंड, अगर आपके पास टेकिंग जीरो इनपुट है तो आपने इसको प्रोड्यूस कर देना है वन एज ए आउटपुट स्टेट। फिर थर्ड ये है कि इस टेकिंग वन एज इनपुट, अगर आप वन इनपुट ले रहे हैं तो आपने क्या करना है, उसको जीरो बना देना है एज आउटपुट। अब अगर एग्जाम्पल पे जाएँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सिंपल ये तीन सर्कल्स लगा लिए, ठीक है। तीन सर्कल लगाने के बाद सबसे पहली को मैंने दे दिया क्यू नॉट का क्यू ज़ीरो स्टेट का नाम, दूसरी को दे दिया मैंने क्यू वन स्टेट का नाम, और तीसरी को दे दिया मैंने क्यू टू स्टेट का नाम, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, ये क्यू ज़ीरो जो है इसको मैंने इनिशियल स्टार्ट स्टेट बना दिया। आपने पढ़ा है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्टार्ट स्टेट, फर्स्ट स्टार्ट स्टेट बनानी है, तो मैंने इसको फर्स्ट स्टार्ट स्टेट बना दिया। अब क्या होगा, जब ये क्यू ज़ीरो इनपुट ज़ीरो देगा, ये वाली, ठीक है, ये इनपुट जब ज़ीरो देगा तो वो क्यू वन के पास जाएगा और उसकी आउटपुट क्या आएगी, वन, ठीक है। फिर देखें, फिर जब ये क्यू ज़ीरो वन इनपुट लेके क्यू टू के पास जाएगा तो आउटपुट क्या आएगी, ज़ीरो, ये साथ में लिखी हुई है ना आउटपुट स्लैश के साथ, ये आउटपुट आएगी ज़ीरो। फिर अगर आप देखें, ये क्यू टू जब क्यू वन के पास जाएगा, ये वाली लाइन देखें, ग्रीन वाली, क्यू टू जब ज़ीरो इनपुट लेके क्यू वन के पास जाएगा तो वन आउटपुट आएगी। इसी तरह ये क्यू वन जब वन इनपुट दे के क्यू टू के पास रिवर्स में आएगा तो हमारे पास ज़ीरो आउटपुट आएगी। अब ये क्यू टू और क्यू वन के ऊपर लूप क्यों लगी हुई है, ये देखें, क्यू टू जब अपने आप को, यानी ये ज़ीरो अपने आप को रीड करके वन इनपुट देगा तो आउटपुट वही ज़ीरो आएगी। इसी तरह जब ये क्यू वन अपने आप को ही रीड करेगा ज़ीरो इनपुट देते हुए तो वो आउटपुट क्या आएगी, वही वन आउटपुट आएगी, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे, ये पूरी होगी, अब ये डायग्राम होगी कि कौन सी स्टेट किस स्टेट के पास जा रही है, अगर ज़ीरो है तो वो वन आउटपुट दे रही है और अगर वन इनपुट है तो वो ज़ीरो आउटपुट दे रही है, रिवर्स है ना, देखेंगे ये ज़ीरो इनपुट दी तो इसने ये वन आउटपुट निकाल दी, यहाँ से ये ज़ीरो सॉरी वन इनपुट दे रहा है तो यहाँ पे ज़ीरो आउटपुट आ गई। इसी तरह अब मैं इसको फर्ज कर लेती हूँ, लेट मी टेक इनपुट 1011, फर्ज कर लें कि मैंने इनपुट्स दी हैं 1011, ठीक है। तो अब मैं इसको ड्रा कैसे करूँगी, जैसे जैसे ये मैंने एक दूसरे के ऊपर ड्रा किया ऐसे ऐसे मैं एक और डायग्राम बना लूँगी। कैसे, ये देखिए, क्यू वन को मैंने क्यू ज़ीरो से जब वो वन इनपुट दे के क्यू टू के पास गया था तो आउटपुट क्या आई थी, ज़ीरो, तो मैंने यही ड्रा कर दिया, क्यू ज़ीरो से वन इनपुट दे के जब वो क्यू टू के पास गया था तो ज़ीरो आउटपुट आई थी, ठीक हो गया। अब देखें, क्यू टू जब ज़ीरो रीड करके क्यू वन के पास गया था तो आउटपुट क्या आई थी, वन, मैंने वैसे ही ड्रा कर दिया, क्यू टू जब ज़ीरो को रीड करके क्यू वन के पास आया था तो उसने आउटपुट क्या दी थी, वन, वो लिख दी। फिर मैंने क्या किया, फिर वो रिवर्स आया था, ठीक है, क्यू वन वापस आया था वन इनपुट लेकर क्यू टू के पास और ज़ीरो आउटपुट थी, तो मैंने वो लिख दिया, क्यू वन वापस गया था क्यू टू के पास वन इनपुट लेकर और आउटपुट क्या आई थी, ज़ीरो, ये देखिए आउटपुट ज़ीरो है ना, ये वन इनपुट लेके आया था और ये आउटपुट ज़ीरो दी थी। फिर क्या हुआ, फिर ये वाला क्यू टू जो है
ये वाला Q2 जो है इसने क्या किया था, इसने अपने आप को ही रीड किया था, 1 इनपुट दे के वापस लूप लगा के Q1 के पास ही गया था, तो 0 आउटपुट थी। तो मैंने क्या किया, Q2 ने अपने आप को ही रीड किया 1 इनपुट के साथ, तो आउटपुट क्या आई, 0। इसी तरह यहाँ पे देखें, Q1 ने जब अपने आप को ही रीड किया था लूप लगा के, 0 इनपुट दी थी और 1 आउटपुट आई थी। तो मैंने क्या किया, Q1 ने इसी तरह से ये फिर आगे वाली ड्रा की, मैंने डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया बिकॉज मैं खुद कंफ्यूज हो रही थी। बस ये वाला जो सर्कल था वो यहाँ पे था, मैंने उठा के उसको सीधा कर दिया, ठीक है। और टेढ़े मेढ़े में मुझे खुद ही समझ नहीं आती, ठीक है। उसके बाद ये है कि फिर आप अगर आप देखें, ये 1 था, ये 0, फिर ये 1 और फिर ये 1। अगर आप देखें, ये मैंने ली थी ना इनपुट 1 0 1 1, तो अगर आप देखें ये इनपुट 1 हो गई, ये इनपुट 0 हो गई, ये वाली, फिर ये 1 1 है, तो फिर ये 1 और ये 1, ये क्या होगी हमारी इनपुट। अगर आप इनको कलर कर लें तो और भी आपको नुमाया हो जाएगा कि कौन सी हमारी इनपुट है और कौन सी हमारी आउटपुट। अगर आप देखें सर्कल्स के नीचे जो है वो हमारी आउटपुट्स हैं, ये भी हमारी आउटपुट है, ये 0 भी हमारी आउटपुट है और ये 0 भी हमारी आउटपुट है। अब अगर आप देखें कि हम आपके पास आउटपुट क्या बनी, तो आपके पास आउटपुट बनती है, आगे लेके चलती हूँ मैं आपको, ये देखें मैंने उसी को एक शॉर्ट डायग्राम में कॉपी किया, सॉरी कॉपी किया, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया ताकि ये टेबल ड्रा करने में आसानी हो। तो अगर आप देखें तो मैंने इनपुट कौन सी ली थी, 1 0 1 1, तो ये मेरी इनपुट थी 1 0 1 और 1, और मेरे पास आउटपुट्स क्या आई, 0 1 0 0। पीछे में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट क्या आई, 0 1 0 और 0, ठीक है। जो सर्कल्स के नीचे हैं वो आउटपुट्स हैं और जो एरोज के ऊपर हैं वो हमारी इनपुट्स हैं। तो फिर से आपको बता दूं, ये 1 0 1 1 हमारी इनपुट हैं, 1 0 1 और 1, ये हमारी इनपुट हैं, और जो मेरे पास आउटपुट आई वो क्या है, 0 1 0 0। अब मैंने ये टेबल कैसे ड्रॉ करना है ये देखें। सबसे पहले मैंने लगाई करंट स्टेट, करंट स्टेट मेरे पास कितनी है, 3, Q0 यानी Q0 Q1 और Q2, मैंने लिख दी Q0 Q1 और Q2। न्यू स्टेट मेरे पास कैसे बनेंगी, 0 को रीड करके और 1 को रीड करके। पूरी डायग्राम में देखें 0 1 ही है ना, 2 3 4 कोई और तो नहीं है ना, तो मैंने क्या किया, एक जगह 0 लिख दिया, दूसरी जगह 1 लिख दिया। अब क्या हुआ, जब Q0 ने 0 को रीड किया तो वो किसके पास गया था, Q0 ने जब 0 को रीड किया था तो Q1 के पास गया था, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया Q1। फिर Q1 ने जब 0 को रीड किया था तो वो किसके पास गया था, ये Q1 ने 0 को रीड किया था तो Q2 के पास, सॉरी ये देखें Q1 ने जब 0 को रीड किया था ये लूप लगी हुई, ये वापस Q1 के पास ही आया था, तो मैंने लिख दिया Q1। फिर अगर आप देखें Q2 ने जब 0 को रीड किया था, Q2 ने जब किसको रीड किया था, 0 को रीड किया था। फिर अगर आप देखें Q2 ने जब 0 को रीड किया तो कहाँ गया, ये Q2 है, इसने 0 किस तरफ जा रहा है, ये वाला 0 जा रहा है ऊपर, तो ये Q1 को रीड किया तो हमने लिख दिया Q1। अब ये हमने 0 की सिचुएशंस बना ली। अब आप चाहते हैं तो 0 को भी साथ पढ़ लें और 1 को भी, लेकिन मैंने आपको पहले 0 वाली पढ़ाई है। उसके बाद Q0 जब 1 को रीड करेगा, फिर Q1 जब 1 को रीड करेगा, फिर Q2 जब 1 को रीड करेगा, ठीक है। पहले हमने ये 0 वाली लिख ली, अब हम लिखेंगे 1 वाली। अब जब Q0 1 को रीड करेगा, अब ये जो Q0 है ये 1 है ना, ये 1 को रीड करेगा तो किसके पास जा रहा है, Q2 के पास, मैंने लिख दिया Q2। फिर आप देखें ये Q1 जब 1 को रीड करेगा, Q1 कहाँ है, ये Q1 है, ये जब 1 को रीड करता है, ये वाला 1 है ना, 1 को रीड करके ये किसके पास जा रहा है, Q2 के पास, तो मैंने लिख दिया Q2 के पास। फिर Q2 जब 1 को रीड करेगा, Q2 कहाँ है, ये Q2 है, ये 1 को रीड करके कहाँ आता है, ये 1 को रीड करके अपने पास ही वापस आता है, तो मैंने लिख दिया Q2, क्योंकि Q2 के पास ही लूप लग के वापस आता है। अब हमने क्या किया देखें, ये मैंने आपको अलग अलग बताया है कि किस तरह से आया, ठीक है। तो अब ये आउटपुट कैसे आई, अब आप जब इकट्ठा इसको रीड करेंगे तो ये आउटपुट आती है। अब दोबारा देखें, ये मैंने आपको अलग अलग इसलिए बताया कि ये आउटपुट इस तरह से आई है, अगर मैं एक साथ बताती तो शायद आप कन्फ्यूज़ हो जाते। अब हम एक साथ देखते हैं, Q0 ने जब 0 को रीड किया तो वो Q1 के पास आया था, Q0 ने जब 0 को रीड किया तो वो Q1 के पास आया था, फिर Q0 ने
जब वन को रीड किया तो वो क्यू टू के पास आया था, क्यू जीरो ने जब वन को रीड किया तो वो क्यू टू के पास आया था, तो आउटपुट क्या आई है आपके पास? जीरो। ये क्यू टू के साथ कौन सी आउटपुट है? जीरो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो। फिर देखें, क्यू वन जब जीरो को रीड करता है, क्यू वन जब इसी जीरो को रीड करता है तो क्यू वन के पास आता है, मैंने लिख दिया क्यू वन। फिर ये क्यू वन जब वन को रीड करता है तो किसके पास जाता है? क्यू वन जब वन को रीड करता है तो क्यू टू के पास आता है, ये है क्यू टू। तो आउटपुट क्या आती है यहाँ पे? क्यू टू क्यू वन जब वन को रीड करके यहाँ पे आता है तो आउटपुट क्या आती है? एक्चुअली टेबल आपको इस तरह से नहीं समझ आना था, तो मैंने ये सारी फील्ड रिमूव कर दी हैं ताकि आपको साथ साथ बताऊं। देखें, ये क्यू जीरो ने जब जीरो को रीड किया तो वो कहाँ गया? क्यू जीरो ने जब जीरो को रीड किया तो वो कहाँ गया? क्यू वन के पास। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ क्यू वन, ठीक है। फिर जब क्यू वन ने वन को रीड किया तो कहाँ गया? क्यू टू के पास, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गई थी ना पहली स्टेट। तो फिर ये जब क्यू वन वन को रीड करेगा तो किसके पास जाएगा? क्यू टू के पास। तो मैंने यहाँ लिख दिया क्यू टू। आउटपुट यहाँ पे क्यू टू के पास कौन सी पड़ी है? ज़ीरो। तो मैंने आउटपुट लिख दी ज़ीरो। फिर अगर आप देखें, ये क्यू वन जब ज़ीरो को रीड करेगा, क्यू वन कहाँ है? ये क्यू वन है। ये जब ज़ीरो को रीड करेगा तो वह इटसेल्फ क्यू वन के पास ही आएगा ना। तो मैंने फिर से लिख दिया यहाँ पे क्यू वन, ठीक है। क्यू वन क्यू वन के पास ही अभी पड़ा हुआ है। जब ये क्यू वन वन को रीड करेगा, ये क्यू वन जब वन को रीड करेगा तो किसके पास जा रहा है? क्यू टू के पास। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्यू टू। क्यू टू के ऊपर आउटपुट क्या पड़ी हुई है? तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आउटपुट कौन सी आ रही है। देखें, क्यू वन जब अपने पास ही वापस आता है तो वो क्या करता है? क्यू वन ही लगता है ना, तो लेकिन आउटपुट तो हमारे पास यहाँ पे वन पड़ी होती है, ठीक है। फिर जब वो वन को ही रीड करके यहाँ पे आता है तो आउटपुट ज़ीरो है, लेकिन ये ज़ीरो तो हम लिख चुके हैं आउटपुट में। तो हमने इस बार क्या करना है? ये वाली आउटपुट वन यहाँ पे लिखनी है, ठीक हो गया। अब देखें, अब जब क्यू टू ज़ीरो को रीड करेगा, ये क्यू टू जब ज़ीरो को रीड करेगा तो कहाँ जा रहा है? क्यू वन के पास। मैंने यहाँ लिख दिया क्यू वन। फिर अगर आप देखें, ये क्यू वन जब वन को रीड करेगा, यही क्यू वन आगे वाले फिर उसी वन को रीड करेगा तो कहाँ जाएगा? ये क्यू वन जब वन को रीड करेगा तो वापस फिर क्यू टू के पास आता है, तो मैंने लिख दिया क्यू टू। अब आप फिर से अगर देखें तो क्यू टू के ऊपर फिर से लूप लगी हुई है ना, तो वो रीड करके कहाँ आ रहा है? उसी स्टेट पे। तो हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आएगी? तो हमारी इसकी आउटपुट आएगी ज़ीरो, ठीक है। आपको पता है ना क्यू टू के ऊपर कौन सी आउटपुट है? ज़ीरो। क्यू टू के ऊपर कौन सी आउटपुट है? ज़ीरो। तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा दें। तो अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स कर लें। और हमने क्या करना है, इस स्टेट से इसको पढ़ना है और इस स्टेट पे आ जाना है, फिर इसी स्टेट से इसको पढ़ना है और आगे आ जाना है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।